आना, मैंने कॉकरोच देखा था। वो छोटा सा था लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था, बड़ा वाला उड़ पा रहा। क्यों, ऐसा क्यों आना? सेकंड टाइम तुमने कोई ढंग का क्वेश्चन करा है। अरे तुम्हारी बुक में भी तो लिखा है इसके बारे में, चलो आज वही पढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंसेक्ट्स। तो लास्ट हमने कहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बर्ड्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स, और सब अपनी नोट्स कॉपी साथ में लेके बैठ जाओ। तो इंसेक्ट्स देखो, बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं जो मतलब यू नो बेबीज देते हैं, और किस फॉर्म में देते हैं, एग के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। जैसे कि बटरफ्लाई, कॉकरोच, ग्रास हॉपर्स, ये सब क्या होते हैं कि ये एग्स देते हैं, और ये जब इनके बेबीज जो होते हैं एग्स के बाद हैचिंग जब उनकी होती है, ठीक है, तो वो क्या बहुत सारे डिफरेंट उनसे जाते हैं स्ट्रक्चर, मतलब उनकी बहुत से स्टेजेस होते हैं लाइफ के, और उनको अपने पेरेंट्स जैसे दिखने में, ठीक है, जो भी लाइफ साइकिल लगती है, जो भी मेहनत लगती है, जो भी उनका चेंजेस आते हैं, ठीक है, उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं मेटामॉर्फिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये पर्पल ये पूरा जो है अंडरलाइन करा है, आप भी अंडरलाइन कर लो और इसको अपने ही फॉर्म में अपनी नोट्स कॉपी में लिख लो, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करा ना, वो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर की लाइन से अंडरलाइन करा है। तो देखो, कॉकरोचेस एंड ग्रास हॉपर्स जो होते हैं ये भी एग ले करते हैं, और इनके बेबी को क्या कहते हैं, इनके बेबी को कहते हैं नायमफोर्स, ठीक है। एक मिनट, तो जो नायफॉर्म होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके जो बेबीज होते हैं इनको नायफॉर्म कहते हैं, और क्यों, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं, जैसे इनके पेरेंट्स होते हैं जो छोटे से, बस हाइट में छोटा फर्क होगा, बाकी दिखेंगे एकदम डिप्पो, एकदम डिट्टो अपने पेरेंट की तरह, ठीक है। और इनके बट इनके पास विंग नहीं होते, मतलब देखो पेरेंट के पास होंगे विंग बट इनके पास नहीं होते। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो कॉकरोचेज होते हैं, है ना, वो उड़ नहीं पाते हैं, बल्कि बड़ा वाला जो कॉकरोच होता है वो उड़ लेता है। तो बस यही डिफरेंट रहता है, इनके में दो डिफरेंट रहेंगे, एक तो हाइट का डिफरेंट रहेगा और एक इनके पास विंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। और जब इनके फिर इसी चीज़ के लिए जो इनका प्रोसेस लगता है डेवलपमेंट का, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं माउंटिंग, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे माउंटिंग, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें इनकी विंग्स वगैरह निकल के आते हैं और ये अडल्ट जैसे दिखते हैं, अडल्ट की हाइट के हो जाते हैं, अडल्ट बन जाते हैं, तो फिर वो प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस होता है माउंटिंग का, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखो, बटरफ्लाई और हाउस फ्लाईज भी ऐसे ही रिप्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, बट वो भी ले एग करके ही करती हैं, और जो वो हैच करता है, देखो जब वो एग हैच करता है, मतलब वो अंडे से जब अंडा फूट जाता है, तो वो क्या बनता है, एक कीड़े के फॉर्म में वो निकलता है, एक कीड़ा निकलता है, डायरेक्ट उसमें से बटरफ्लाई नहीं निकलती, उसमें से निकलता है पहले कीड़ा, ठीक है। और वो कीड़ा क्या उस फॉर्म को क्या कहते हैं, उस कीड़े को क्या कहते हैं, उस कीड़े को कहते हैं लार्वा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेना। तो ये देखो, पहले यहाँ पे हमारा है ये उसका ग्रास हॉपर की लाइफ का, इस टाइप के ग्रास हॉपर के में भी होता है और कॉकरोचेस के में भी होता है, ठीक है। ये देखो, पहले ये एग में था, फिर ये नाय फॉर्म बना, और उसके बाद ये थोड़ा ऐसा टीनेजर टाइप बना, उसके बाद ये अडल्ट बन गया, ठीक है। और यहाँ के जो इतना जो स्पेस आया ना, ये पूरा जो स्पेस आया है नाय फॉर्म से लेकर अडल्ट तक की जो जर्नी है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माउंटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे जो पूरे पैराग्राफ में लिखा है ना, मैं ऐसा करती हूँ आप लोगों को उसको शॉर्ट में बता देती हूँ, और जो भी मतलब जो हमारे यहाँ पर्पल बॉक्स में है, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ इधर, और जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं मार्क करने को कह दूँगी। तो देखो, इसमें यही कहा गया है कि जो कैसी होती है ये बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल। देखो, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल ऐसी होती है, पहले एक एग होता है, ठीक है, जब वो फूटता है तो उसमें से एक लार्वा निकलता है, एक कैटरपिलर निकलता है, उस लार्वा को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम कैटरपिलर, ठीक है। फिर वो क्या होता है कि उसके बॉडी से ही कुछ निकलता है और वो क्या करता है, वो प्यूपा बन जाता है, मतलब देखो उसकी बॉडी से कुछ ऐसा निकलता है जिसको वो अपने पूरे चारों ओर लगा लेता है और वो उसी में घर बना के सो जाता है, और वो कई सालों महीनों के लिए सो जाता है उसमें। उसके बाद वो उसमें से फाड़ कर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बटरफ्लाई खुद बन जाता है ये कैटरपिलर,
तब वो उसको फाड़ कर उसमें से खुद से निकलता है। और ये जो स्ट्रगल होता है ना खुद से निकलने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जाके उसको कर दो ना खुद से, तो खुद से करने अगर आप चले गए, आपको लग रहा है कि बटरफ्लाई को बहुत दिक्कत हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बटरफ्लाई को कुछ दिक्कत नहीं हो रही होती है, ये उसका नेचुरल प्रोसेस है। और अगर ये बटरफ्लाई अगर ये प्रोसेस को नहीं करेगी ना, देन वो डाई भी हो सकती है, मतलब उसकी मौत भी हो सकती है। अगर वो खुद से ये ना करे प्रोसेस, कोई और हेल्प कर दे उसकी, तो उसमें उसकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद वो अपना अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। तो यही था, और यहाँ पे कुछ हमें बताया है, बस यही बताया कि वो लावरा जो होता है वो कैटरपिलर होता है, और वो जो हाउस फ्लाई का जो कीड़ा निकलता है उसको मायोकॉट कहते हैं। ठीक है, और ये ककून बनाता है ना, ये देखो ये जो वो कुछ बनाते हैं ना जिससे वो अपने आप को कवर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको ककून कहते हैं। ठीक है, और फिर वो जो लावरा होता है ना वो प्यूपा में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, अंदर ही रहकर वो प्यूपा में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ओके, और वो अंदर ही रहकर ही वो माउंटिंग का प्रोसेस कर रहा होता है, उसको कई हफ्ते लगते हैं। ठीक है, महीने नहीं, कई हफ्ते लगते हैं, और उसके बाद वो निकलता है, तो वो एक अडल्ट इंसेक्ट बन के निकलता है। ठीक है, अब देख लेते हैं रेप्टाइल्स पर। उससे पहले मैंने यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन कर रखी है, आप भी उसे अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये इसमें से बहुत सी चीज़ें आएंगी, तो आप इन्हें एक बारी वीडियो स्टॉप करके अंडरलाइन कर लेना। अब आगे पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे ये रेप्टाइल्स आता है। ठीक है, रेप्टाइल्स क्या है, तो रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंग रेंग के चलते हैं। ठीक है, जो मतलब उनकी मतलब ऐसे रेंग रेंग के चलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब समझ जाओ। देखो रेंग रेंग के मतलब ऐसे एकदम चिपक चिपक के जमीन से खिसक खिसक के चलते हैं। तो देखो यहाँ पे लिजर्ड, टर्टल, स्नेक, सांप मतलब, और टर्टल, लिजर्ड, छिपकली, कछुआ, क्रोकोडाइल, ये सब कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये भी एग ले करके ही, क्योंकि देखो सारे यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ना ये एग ले के ही करते हैं, हमारा यहाँ ऊपर हमने देखा था ना। तो देखो ये भी कैसे, ये एग ले करके ही करते हैं, और ये ग्राउंड में गड्ढे बनाकर उसी में अपना एग ले करते हैं, और जो मदर होती है ना वो चली जाती है। हाँ, तो जो देखो जो मदर होती है ना चली जाएंगी, अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखेंगी, वो ऐसे ही चली जाती है, अपना एग ले करके वो चली जाती है, अपना घूमती फिरती है। ठीक है, और वो एग हैच हो उससे पहले ही कोई और एनिमल या तो आके उसे खा लेता है। ठीक है, कोई और एनिमल, और बहुत थोड़े से ही होते हैं जो एडल्ट बन पाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आती है कि वो उसी से जूझ जूझ के मर जाते हैं, तो कोई और ही उन्हें आगे खा लेता है। ठीक है, और सच एनिमल्स और इनको हैचिंग के लिए मतलब जैसे हैन की मम्मी तो है, मतलब चिकन की मम्मी तो हैन के ऊपर बैठती है, मतलब एग अपने एग के ऊपर बैठती है हैन, बट इनको इतनी ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही हैच वैच हो जाते हैं, इनको ज़रूरत नहीं होती है इन सब की। वो बस उनको क्या चाहिए होता है, एग को हीट ऑफ सन चाहिए होती है बस, और बाकी वो अपने आप हैच हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया कि जो क्रोकोडाइल है वो अपना ग्राउंड पे ही एग देते हैं, और यहाँ पे वो अपने एग, जब उनके एग हैच हो जाते हैं तो वो अपने एग में से निकले हुए बच्चों को अपने मुँह में ही कैरी करते हैं, उनके मुँह में ना यहाँ पे एक पॉकेट सी होती है, वो उसी में अपने बच्चों को रख लेते हैं, और वो तब तक उन्हें खाना खिलाते हैं अपने साथ ले जाके, जब तक वो जो बच्चे हैं वो खुद से खाना ना सीख जाए। तो एक बारी आप इन सबको जहाँ पर मैंने ये लिखा है ना, आप इसे अंडरलाइन कर लेना, और भी पीछे जो मैंने जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है अंडरलाइन कर लेना। अब देख लेते हैं यहाँ पे अदर एनिमल्स के बारे में ज़रा देख लेते हैं। तो और एनिमल्स जो हैं जैसे कि फ्रॉग, फिश, ये सब ना जब वाटर में अपना बच्चा देते हैं, ठीक है, और देते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ एग दे देते हैं एक साथ ही बहुत सारे एग दे देते हैं, और वही थाउजेंड्स ऑफ एग जो होते हैं उनमें से आधे तो ग्रो हो पाते हैं और आधे हो ही नहीं पाते, क्योंकि जो बड़ी बड़ी फिशेज आती हैं वो उन्हें खा लेती हैं। ठीक है, और जो फ्रॉग अपना एग देता है वो जब ऐसे ही डायरेक्टली नहीं फ्रॉग बन जाते हैं, उनके भी बच्चे जो होते हैं वो पहले टेडपॉल बनेंगे। हाँ, वो एकदम डायरेक्टली नहीं, पहले वो देखो पहले वो फ्रॉग का अंडा है, ठीक है, वो बना किसमें, वो टेडपॉल बन गया, और उसके बाद वो अपना आगे की अपनी ज़िंदगी कैरी करता है। और कैसे, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ में है ये मैं आपको बता देती हूँ, तो देखो कैसे, पहले वो क्या बना, ये जो डायग्राम्स है ना इतने अच्छे हैं कि मतलब पूछो मत, इससे ना बहुत क्लियरिटी आ जाती है दिमाग में, तो इन्हें ज़रूर देखना एग्जाम से पहले। तो देखो यहाँ पे पहले एग रहते हैं, फिर वो टेडपोल बनते हैं, टेडपोल कुछ ऐसे ही कीड़ा सा दिख रहा होता है, उसके बाद टेडपोल के पैर आ जाते हैं, उसके बाद ये यंग फ्रॉग बन जाता है जिसकी पूँछ तो वैसे ही रहती है, बस फ्रॉग जैसे दिखता है उसकी पूँछ भी होती है, उसके बाद ये अडल्ट बनता है तो उसकी पूँछ भी हट जाती है, उसके बाद अडल्ट फिर एग देता है एंड ऑल। ठीक है,
अब देख लेते हैं कि एनिमल्स जो बच्चों को जन्म देते, तो ये वो एनिमल होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, जिनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।